जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। मतलब साउथ इंडियन जिस तरीके का बनाते हैं, यहाँ अगर श्री राम सर को छोड़ दें तो उस किस्म, मतलब लूसिया जैसी फिल्में बनती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब उनका होता है कॉन्सेप्ट, हम लोग क्यों नहीं वैसा कॉन्सेप्ट सोच पा रहे हैं या मतलब किधर कमी है? कमी तो है और शायद सोचने में कमी है, शायद एक ऑल्सो आई ऑलवेज फील दैट जो फिल्म मेकर्स जितना रिस्क उठाते हैं इन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी में इतना रिस्क नहीं उठाया जाता है और वो फैक्ट है, हम उस फैक्ट से भाग नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी समय से देखा है थ्रिलर और जॉनरस और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा साउथ की फिल्में देखता हूँ और क्योंकि ये सब चीज़ें जो मुझे पसंद है सिनेमा में वहीं से देखने को मिलती हैं और मेरे लिए एक अच्छा साल जो हिंदी सिनेमा काफ़ी सालों में रहा वो लास्ट ईयर था और बाकी कुछ नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका, लेकिन आप सही कह रहे हो हिंदी में ऐसा कम होता है। अनुराग सर, लॉट ऑफ फोटो जर्नलिस्ट आर डिसअपॉइंटेड विद योर कमेंट्स, तो क्या आपको नहीं लगता इसको विथड्रॉ कर दें? आई हेट मी फॉर दैट एंड नेवर क्लिक माय पिक्चर्स। सॉर्टेड, चलिए नेक्स्ट। I have a question for the whole team. Why game over? I mean, what's the reason behind this title? I mean, of course, it's interesting. Shuru hone se pehle you're saying game over, but why game over? I think the word has broken so many hearts, you know, right from childhood. So it's such an iconic image that you see when you play video games. You know, that's the image that gives you the heartache. So. And also again, I kind of feel that word applies to real life as well, you know, when you given upon life and you say it's game over and then you come back and try again, right? So I think it applies even as a metaphor to real life as well. So I think the film's central theme lies in that. So we all felt that two words will make a big difference. अश्विन सर, आई लाइक टू आस्क यू समथिंग। सर ऐसे मतलब हैप्पी गो लकी हीरोइन है, लाइक शी इज सो हैप्पी गो लकी, फ्लावर्स हैं, यू नो, सो डिड यू नॉट वॉन्ट टू मेक अ ऐसा लवी डवी टाइप का फिल्म उनके साथ? डिड यू नॉट लाइक, व्हाई दिस सर? आई थिंक आई हैव लॉस्ट काउंट नंबर ऑफ टाइम्स शी हैज आस्क्ड मी टू मेक अ लाइट फिल्म। अच्छा, राइट फ्रॉम द शूट टू टेल द पोस्ट प्रोडक्शन शी केप्ट आस्किंग मी टू मेक अ लाइट फिल्म। राइट, आई थिंक शी विल थ्रेटन मी नेक्स्ट टू मेक अ लाइट फिल्म। But I think I'll tell you something. I think happy people make for very interesting subjects in a dark film. Right. I feel somehow they bring this vulnerability and this naivety to the whole world that the film. Right. It feels authentic and you know it creates an instant connection with the character. Hmm. So I think she brings that to all the dark stories. You know, she's a part of. वो हंसेगी तो फंसेगा वाला उल्टा होता है यार, इफ शी स्माइलिंग कुछ होने वाला है तेरे साथ। ऑलराइट, सो या अनुराग, हाय अनुराग, विक्की कौशल इज लाइक ही इज अर्न सो मच सक्सेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड यू वर द वन हु ही ऑलवेज सेज दैट यू वर द वन हु गॉट हिम इन द इंडस्ट्री, यू लॉन्च्ड हिम, यू गिव हिम अ गुड लॉन्च। हाउ डू यू फील एज अ मेंटर, यू नो, टू सी ऑल द सक्सेस दैट विक्की इज? आई फील वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट एवरी सक्सेस ऑफ हिज इज एक्चुअली हिज चॉइसेस एंड हिज हार्ड वर्क, बिकॉज़ यू आर योर चॉइसेस, इन द सेंस द टू फिल्म्स ही डिड विद मी वर नॉट लाइक the biggest box office blockbusters. The box office blockbusters were the films made by other people. So I'm saying it is his choices, his hard work, and his knack of his probably understanding of what works, what doesn't work. I'm grateful that he gives me a lot of credit, but I think he should take a lot of credit himself too.
Ashwin, hi. Ashwin, you know, Anurag did speak about the difference between filmmakers in South and here. But what has been your understanding of Hindi cinema? Why do you feel that, you know, perhaps filmmakers there in South, you know, be it about the vision or about stories, they do take more risks, you know, and as compared to filmmakers here or writers here. So what's been your takeaway from Hindi cinema if you watched? I mean, I watch a lot of Hindi cinema, and I also believe in one thing, that the grass is always greener on the other side. But I'll tell you one interesting thing about his films. I think, oddly enough, all his films have released during the time where I was going through a dark phase. And he makes dark films. And oddly enough, when I watched those films, I came out feeling happy. It kind of, you know, it's not messed up. I mean, in a way, I'm saying it kind of reassured me as a filmmaker that you can go out and express yourself without, you know, doubting your own voice, or, you know, without thinking about whether this will work or not. You go out and express yourself no matter what, because it excites you as a person, as an artist. So whenever I watch his films, you know, I've gotten that reassurance, and I've gone out and done something that I wouldn't have done otherwise. So I think they make a lot of bold choices here, and they make a lot of good films, content-driven films, and all that. And I regularly follow Hindi cinema, and you know, I'm a huge fan. What was the last Hindi film that you watched and liked? Andhadhun. Anurag, आप डार्क फिल्म के लिए तो जाने जाते हैं, पर हॉरर में कभी आपने हाथ नहीं आजमाया है, तो हॉरर में कुछ हाथ आजमाने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है. कब तक? जल्द ही आ रहा है आपके नजदीकी सिनेमा घर. ग्रेट, वी टेक टू लास्ट टू क्वेश्चंस. या एक सवाल शशि जी से था, प्रोड्यूसर साहब से. या जस्ट वन पॉइंट, आई एम जस्ट ग्लैड कि अनुराग जी ने बोला इज कमिंग क्लोज टू अ सिनेमा एंड नॉट टू नेटफ्लिक्स और Amazon. सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू हिम फॉर दैट. ये निकली दिल की बात ऐसा गहराई से. या शशि जी, या मतलब और अनुराग आपसे भी, या फिर शशि मतलब सिपाशीष आपसे भी, कि इन दिनों मतलब वर्चुअल प्रिंट फीस VPF का मामला चल रहा है, रॉनी स्क्रू वाला उसको बहुत मजबूती से आगे रख रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स सब लोग मिलकर कोई इसको लेकर कोई एक कैंपेन चलाने वाले हैं. So, तीनों के अलग अलग जवाब अगर मिल जाए तो. And I'll also probably, in this background also, you should have hear what Kamal is saying. He's other gentleman saying. Yes. Sorry, I didn't get the question actually. See, sorry. Shashi, PP. In North India, Ronnie has gone and filed a case in CCI against one of the point being PPF charges being charged by the exhibitors, right? Exorbitant or not. Yeah. Apart from several other points. So his point is that are all producers will come up together and make anything further progress on this issue? Broadly, I think that's... Yeah, that's the question, broadly. Sorry, I really don't understand the impact that it's going to create. I haven't thought about it enough. I did read the news article, but I'm not sure what is the impact of this, and whether the larger association would come forward and kind of... I don't know what the direction is going to be. I think whenever you tend to regulate, you know, in a free market, it becomes a little difficult, is my opinion, but we don't know how it's going to go from here, actually. Sir, producers ko dena padta hai 25,000 per iska matlab uska paisa. Chalo, thank you. Yeah, one last question. Anurag, aapka sa... Please. Ek second, please. देखिए प्रोड्यूसर्स, फर्स्टली ये मैटर, अनुराग आपका जवाब अगर आप आते, ये मैटर सब जुडिस है, इट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कॉम्पिटेंट बॉडी, इन दिस केस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो आई विल कीप माय पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट एंड स्नैपी. व्हाट यू हैव टू अप्रिशिएट इज दैट एग्जिबिटर्स हैव इन्वेस्टेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज in sprucing up the exhibition sector in this country, and in a small way that has brought people back to the cinemas and is helping the entire film industry, without taking away credit from the creative talent, because ultimately this business is about what you see on the screen. So without taking that credit away, you have to appreciate ki VPF का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी लंबी है.
इसका शॉर्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, बट ऑल आई कैन टेल यू इज दैट प्रोड्यूसर्स विद द करंट वीपीएफ सेव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी vis-a-vis what was being spent earlier. That's point number one. Point number two, producers are able to release the film in a very wide fashion. Pehle jab reels hote the 2007-08 mein, films release hoti thi in a very different fashion. Reels hote the, cinemas mein shuttling hoti thi, big cities ke baad choti cities hoti thi, piracy aur ye sare issues hote the. Because of digitization of prints and this concept of VPF, producers are able to release the films at the same time in majority of cinemas and practically killing piracy, and that has benefited producers, exhibitors, everyone. So VPF has lot of sides to it. It's a long story. The reason exhibitors are not speaking about it is because the matter is sub judice. But there is, it's a fair payment from producers to exhibitors. There is nothing unfair in it. Thank you so much, sir. Anurag, एक सवाल आपसे था. जब परिवार की सुरक्षा की बात आती है, जैसे recently आपकी बेटी को भी बहुत abusive language में social media पे troll किया गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले में भी investigation कर रही है, क्या वो troller पकड़ा गया है और क्या कुछ लड़कियों को आप advice देना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो देखिए, जब मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, मैं इग्नोर करता हूँ. और बेसिकली इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन हाउ समबडी रिएक्ट्स टू इट. लाइक सबको ट्रोल ये भी होती होंगी, हर कोई होता है. मेरा जो रिएक्शन आता है, मेरा रिएक्शन और मेरा टैग करने का एक सिंपल सा कारण है, और जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत बार बोला है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं जानता हूँ ये बात कि कोई आदमी अगर स्ट्रांगली ये बात कह सके, स्ट्रांगली और मीन करके कड़े शब्दों में बोल सके कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सजा तय हो सके, तो ऐसी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगे. इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो साइलेंस होता है उनका ऐसे समय पर, वो जो है इनक्रेज करता है इन लोगों को. ये जो लोग हैं उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. हर आदमी अपने छोटे छोटे शहर में लगता है कि जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री या अपने स्टार या किसी के बिहाफ पे, या सलमान खान का फ़ैन शाहरुख खान के फ़ैन को ट्रोल करता हूँ, उनको लगता है कि शायद इनडायरेक्टली, जो छोटे शहरों की जो मानसिकता होती है वो ऐसी होती है कि शायद इनडायरेक्टली उनको पता चलेगा कि मैंने उनके लिए ऐसा किया है, तो शायद एक उनको एक कनेक्शन सा फील होता है. तो ये जो है, इसको बंद करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए. इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी को सज़ा मिलनी चाहिए या कुछ ऐसा, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग है एक एक्साइटमेंट में होती है. कई लोग जो है बिना सोचे समझे ऐसे करते हैं. मैं तो पहले ट्रोल्स का के जवाब में खुद ही ट्रोल बन जाता था उनका. लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, जब आपको देखता है कि आपके घर में जब ऐसा रिएक्शन आता है, जब मुझे ऐसा मैसेज आया मेरी बेटी का और जिस तरह का रिएक्शन आया, उस पर मुझे था कि मैं क्या करूँ. मतलब मुझे मालूम है कि आप पुलिस के पास जाइए, FIR किया है, हमने वो सब किया. और उनका भी एक अपना प्रोसेस होता है, और IT को लेके उनका प्रोसेस मुझे अभी पहली बार समझ में आया. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आप कहाँ रहते हो या आपकी बेटी कहाँ पे मैसेज देखा गया, कौन सा एरिया है. हमने कुछ 3 पुलिस स्टेशन बदले, तब जाके हमें करेक्ट जगह पे जाके FIR हुआ. उसका भी एक लॉज है जो हमें, हम अनभिज्ञ हैं, हम जब उसमें जाते हैं तब पता चलता है. बट ज़रूरी मेरा टैग करने का रीज़न या किसी भी चीज़ का रीज़न एक सिंपल सा है कि जब तक स्ट्रांगली एक लॉ नहीं आता या स्ट्रांगली कोई कड़े शब्दों में निंदा नहीं करता, और मैं अगर चाहूँगा कि मेरे लोग जो मेरे लिए काम करते हैं इस तरह की हरकत ना करें मुझे डिफेंड करने के लिए कुछ, तो नहीं होगी ये बात. अगर मैं जेन्युइनली चाहूँगा तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. ये जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर जो पैदा हो रहा है, और ये जो एटमॉस्फेयर आपके हम कह सकते हैं, इस तरह का सवाल आना कि आपको डर नहीं लगता, इस तरह का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए. किसी को किसी बात से क्यों डरना चाहिए? मुझे अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. मुझे कुछ सवाल पूछना है तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. और एक डेमोक्रेसी आपको एक सवाल पूछने का हक देती है. मुझे सवाल पूछने के लिए डराया जाए और सवाल पूछने के बाद इतने सारे अटैक हों, तो एटमॉस्फेयर को मैं सही नहीं मानता हूँ. खैर, मुझे पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कोई डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, जब आपके बेटी को कोई ऐसा होता और जब वो डरे, एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको उसको एश्योरेंस देने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा. मैं उसको बोलता हूँ कि मैं क्या ये सब चीज़ें इग्नोर किया करो, लेकिन
शायद पहली बार उसे इग्नोर नहीं हुआ. तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा पूरी तरह से मानना कि किसी भी तरह का मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जिस प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं किया था इलेक्शन में वो जीत गए. ये पब्लिक मैंडेट है, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ. और मैंने सरकारों से लड़ाई हमेशा की है. तब सोशल मीडिया नहीं थी, जब मेरी फिल्में बैन हुई थी मैंने कांग्रेस से भी लड़ाई की, मैं सबसे. और मैं अपने आप को मानता हूँ कि एज अ सिटीजन मेरा अधिकार है अपने जिस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ उसके लिए लड़ना सरकार से. मैं पार्टी से नहीं लड़ता हूँ, मैं सरकार से लड़ता हूँ. क्योंकि आप जो है, आप वोट करते हो, आप एक देश में रहते हो और आपका कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो सकता है और वो को एग्जिस्ट कर सकता है. हम, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो लोहिया जी के ज़माने से बीजेपी को वोट करता है. मैं प्रधानमंत्री से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूँ या मेरे बोलने पर वो ना चुने जाएँ. उनको कुछ चुने गए हैं और मैं प्रधानमंत्री हैं और मैं वो अगर कहीं भी आएंगे तो मैं भी उसी तरह रिस्पेक्ट में खड़ा होऊंगा जैसे सब खड़े होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ से एग्री करूं और चुप हो जाऊं. नहीं, उस ट्रोलर ने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है और उसने वो ट्वीट भी डिलीट, वो जिस दिन मैंने ट्वीट किया था उसने अपना इंस्टाग्राम का कमेंट भी ट्वीट कर दिया था, डिलीट कर दिया था. लकीली वो स्क्रीनशॉट जब आपको मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि इस आदमी ने ऐसा मैसेज किया, वो स्क्रीनशॉट वो टाइम जो है वो सेव्ड है, वो सेव्ड है जिसकी वजह उसकी खुद की फ़ोटो उस ट्वीट में है, उस आदमी की खुद की फ़ोटो उस ट्वीट में है और उसके सहारे ये लोग ढूंढ रहे हैं. थैंक यू सो मच. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. साइबर क्राइम में ये है कि आप जिस एरिया में आपको जो भी मैसेज मिला है या कमेंट मिला है वहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, जहाँ पे आपने पढ़ा हो या जहाँ पे आपने इंटरनेट खोला हो. उससे पुलिस को भी शायद किसी तरह की सहूलियत होती है थ्रू वाया वाईफाई या वाया इंटरनेट चेक करने में कहाँ पे किस टावर के थ्रू ये हुआ. मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़, बट जहाँ तक मुझे है कि सवाल ये पूछे गए थे कहाँ मैसेज देखा, उस हिसाब से आपको पुलिस स्टेशन पर जाना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नॉर्मल था ना. आऊँ मैं अभी. थैंक यू सो मच. यू नो दैट वाज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली एंड बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने पूरी बात समझाई. थैंक यू सो मच. एंड थोड़ा लाइटर नोट पे, वो सर से किसने सवाल पूछा था, वो वाला पीवीएमवी वाला, सुन ऐसे रहे थे जैसे अभी इसको कहीं जाके चिपकाएंगे. मैं वेट करने वाला हूँ कहाँ आएगा इस पर रिसर्च आएगी. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप. जोरदार तालियां फॉर द इंटायर टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. गेम ओवर की. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.